कई बार दोस्तों पता क्या होता है कि टायर हमको ना खोलना पड़ता है, ट्यूब वाला हो तब भी। आपकी एक वीडियो बनाई थी मैंने उस दिन, पता आपको बहुत वायरल होगी, पता है? अच्छा, और क्या। जैसे दोस्तों हम साइकिल का बाइक का टायर खोलते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। ये हवा दोस्तों इसमें एक साइड आ गई है, आदमी के बराबर तो पूरी ट्यूब है इसकी। भाई की वीडियो दिखा रहा हूँ, टायर वर्कशॉप पे जॉब करता है, तो इस तरीके से जुड़ता है। हैवी ट्यूबलेस टायर का पंचर है, तो बरोजा गन होती है। हाँ, ये चलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सारे भाई ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम मशीन पे आ चुके हैं, और मशीन मैंने आपको बताया था रात पिक्चर होगी थी, तो भाई हवा उसकी अब सब निकल चुकी है। ये देखो गाइस, इसकी हवा निकल चुकी है, अब इसे टांग के लेके जाना पड़ेगा। अभी तो आपको एक कम निकली हुई लग रही है, क्योंकि ब्लेड पे है मशीन। अभी ब्लेड जैसे उठाऊंगा मैं, देखो अभी कितने ज्यादा दब गया, पूरी हवा निकल चुकी है इसकी। रात से पिंचर जोड़नी पड़ता, इसलिए अब भाई सुबह इसका करवाएं काम। पिन कहाँ रखी है? निकाल के लेके आ नीचे, इधर लेके आ। ज्ञानी को तो पता है, इसको बताऊंगा कहाँ लगाई जाती है। दोस्तों इसको टायर को टांगने के लिए ना ऑपरेटर में एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन तो नहीं होता, ये जुगाड़ बना रखा है ऑपरेटरों ने। बाकी तो ये सपोर्ट के लिए होता है कि यहाँ से ऊपर ये टैंडम ना जाए, क्योंकि टैंडम जो है ऐसे ऐसे चलता है ना, बीच में से घूमता रहता है। जैसे जैसे एंडुलेशन आते हैं, ऊंचा नीचे आता है, कभी वो टायर नीचे, कभी ये टायर ऊपर, तो ये चक्कर होता है। तो अभी क्या करेंगे हम, मशीन को उठा के ये टैंडम को नीचे करके ना पैर से, फिर इसके बीच में यहाँ पे सपोर्ट लगा देंगे पिन की, तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा, और ये जो चीज है ना ये ज्यादा नीचे आ जाएगी, वो ऊपर हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। तो अभी दोस्तों पहले इसको ना एक साइड से उठाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। ओए, इसके ऊपर चढ़ एक बार करके ना दोस्तों, इसको नीचे करना पड़ेगा। इस तरफ हो आप, आजा आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं। अरे अरे गत करे, इधर साइड से नीचे कर दे, कर नीचे, कूद इस पे, कूद कूद जोर से। हाँ, दोनों पैर रख के उस पे ऐसे ऐसे हिलता रहे थोड़ा सा। हाँ देखो, ये दोस्तों ऐसे करके होता ना, और कर बस 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 बस, अब नीचे आ जा, इधर को मत जा, उधर को फिर नीचे चला जाएगा, इधर को उतर जा, पिन उठा ले। दोस्तों इस कंडीशन में हो गया, अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे सपोर्ट लगा देंगे। देख ना, जब मैं तुझे बताऊंगा ना, ये चीज जो है ना ऐसे करके सीधी सीधी इसके ऊपर को लगाती है। देख यहाँ लगानी तुझे, अभी थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा, देख अभी फंस रही है इसमें, और कर इसे नीचे थोड़ा सा, बस 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 आ जा। हाँ बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ से मैं ऊपर करूंगा प्लेट को, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, तू आ जा बाहर, बाहर आ जा। मशीन टंग चुकी है, अब ब्लेड हो चुका अपना ऊपर, अभी मशीन इस तरीके से जाएगी। तो देखा गाइस आपने, इस तरीके से टायर अपना टंग चुका है। आजा आजा साइड में को आजा। वैसे दोस्तों आप कितनी भी स्पीड से इससे जा सकते हो, मतलब कितनी भी, ऐसे नहीं कि बहुत तेज हो अड्डो खड्डों में, लेकिन यह है कि स्पीड से आप चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। उस पर इतना वेट रहता ना कि वो पिन जो है ना वहाँ से निकलती ही नहीं है। हाँ निकलो निकलो भाजी, जान डाया घोड़ा ले गए। देखा मितान, आ गया ना, अब ऐसी टांग लेते हैं। अब आगे वाला पिंचर हो जाए तो पीछे लगेगा, लेकिन पीछे जो है ना ये पिन जो है ना, पिन से लंबी चीज लगेगी, वहाँ पे लंबी लगानी पड़ती है थोड़ी सी, आगे छोटी लगती है गाइज। और जैसे अगर आगे वाला टायर पिंचर हो जाता, ये मतलब अपना बीच वाला, ये वाला, तो पीछे लगाते, ऐसे पीछे सपोर्ट होती है वो लगाने के लिए, लेकिन पीछे थोड़ा बड़ा लगाना पड़ता, पीछे लग जाता व्हील पाना पूरा पूरा लग जाता है। व्हील पाना जो होता है ना अपना दोस्तों, टायर खोलने वाला, वो अपना पूरा लग जाता है उसमें। और ऐसे ही आगे भी कर सकते हैं हम, जैसे ट्रैक्टर का एक टायर टांग के ले जाते हैं ना अपने, पिंचर हो जाता है तो, या बैरिंग वरिंग टूट जाता है तो, ऐसे इसको भी आगे एक टायर टांग के ले जा सकते हैं। यानी कि ये ग्रेडर जो है तीन टायरों पे जा सकता है, छह टायर है इसमें टोटल, तीन टायरों पे आराम से जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपके पास सिस्टम होना चाहिए उसको लगाने वाला, लोहे की पिने वगैरह, और लोहे की पत्ती जो उसमें फंस जाए आगे, उसका जुगाड़ होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे एक मेरी बहुत ज्यादा पुरानी वीडियो है ना, साल दो साल पुरानी, उसमें मैंने बता भी रखा है पूरा, इसी के ऊपर वीडियो है कैसे आप मशीन ले जा सकते हैं ग्रेडर को अगर पिंचर हो जाता है तो, वो आप चाहो तो देख सकते हो। हम जा रहे हैं पिंचर लगवाने इसका, यहाँ पे जारी चौक पे, वहाँ पे लगा, ठीक है। नहीं तो हम जाएंगे थोड़ा सा आगे सोनीपत बाईपास से आगे, जहाँ पे खाता चलता है कंपनी का, यहाँ भी चलता है, पता नहीं वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं क्या होता है। और इसके टायर जो है ना दोस्तों, ये ट्यूब वाले टायर है, इसमें ये हैवी ड्यूटी टायर चल रहे हैं, तो इसमें ट्यूब है, टायर खोल के पिंचर लगेगा, ट्यूबलेस टायर नहीं है। और ट्यूबलेस होते भी तो दोस्तों ट्यूबलेस टायर का पिंचर यहाँ पे लग नहीं पाता कहीं पे, ट्यूबलेस टायर का पिंचर खोल के ही लगता है, और वो अंदर से दोस्तों लगा जाता है उसमें पेच, जैसे ट्यूब में लगाया जाता है पेच। अभी चल के देखते हैं इसमें कितने पिंचर निकलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या सिचुएशन रही।
देखो गाइस धान लग रहे हैं, आपके इधर क्या सिचुएशन चल रही है बताना, धान वान लग चुके हैं कि नहीं? और मौसम दोस्तों आज बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब सुबह सुबह से इतनी ज्यादा गर्मी थी कि नहाने के बाद जैसी बाथरूम से निकले पसीना आ गया तुरंत, लेकिन अभी थोड़ा मौसम ठीक हो रहा है, ऐसा ही रखे मौसम, बारिश पड़े ना पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मौसम तो कम से कम ऐसा रहे। वैसे भी यार बारिश होनी ही चाहिए क्योंकि यार धान लगने का टाइम है, किसान लोग परेशान रहते हैं कहाँ से लाएं इतना पानी। वैसे हमारी साइड तो बारिश हो रही है, मुरादाबाद हो रही है बारिश है ना, इनके यहाँ पे हो रही है, हमारे यहाँ पे बता रही है, मम्मी को फोन करूँ अभी पता लगेगा। यहाँ पे रोड देखो कैसे बह बह के जा रहा है, कोई ना बेटा टेंशन मत ले, नया रोड बना रहे हैं, पहले कितना बहेगा ये देखो, ये खड्डा कितना बड़ा आया, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलता रहता है टायर इसमें, इस तरीके से चलता रहता है टायर, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर जा सकता है नहीं। ये आ गया दोस्तों मोनी बाबा चौराया, ये देखो ये रोड दोस्तों सोनीपत बाईपास का है, पीछे जो है अपने दिल्ली से पानीपत वाला रोड है, इधर को आप पीछे जाओगे तो आगे ये सारा इस साइड में सोनीपत है, ये छोले भटूरे यहाँ पे बिकते हैं, आगे ये सीधा रोड जा रहा है गुहाना की तरफ, जींद की तरफ, काफी बार बताया लेकिन फिर बताना पड़ता है भाइयों को, कई भाई हमारे बोल जाते हैं, व्यूवर्स फैमिली हमारी यूट्यूब। तो गाइस पहुंच तो गए हैं पिंचर वाली दुकान पे, अब इसको पिंचर नहीं होता पंचर होता है, मैं भी गलत ही बोलता रहता हूँ, दिखवाते हैं कितने पिंचर है। क्या हाल है भाई साहब, आपकी वाली रील बहुत वायरल होगी पता है, इस पे 60,000 व्यू हैं इंस्टाग्राम पे, भाई फॉलो कर लो, बहुत मस्त मस्त रील वहाँ पे आती रहती हैं, देखा करो। भैया की एक रील बनाई थी इस पे, वो घोड़े वाला म्यूजिक लगाया था, ऐसे पिंचर जुड़वाने आ रहे थे हम। कई बार दोस्तों पता क्या होता है कि टायर हमको ना खोलना पड़ता है, ट्यूब वाला हो तब भी, लेकिन यहाँ पे भैया बोल रहे हैं कि खोलना नहीं पड़ेगा, कहीं होते हैं ऐसे एक्सपीरियंस पिंचर वाले जो कि खोलते नहीं है टायर को, जैसे हमारे भैया ये बिना खोले ही लगा देंगे पिंचर, बिना खोले भैया। वाह, बिना खोले का मेरा मतलब है टायर तो खोलेंगे पर रिम नहीं खोलेंगे, ओके? कभी आप उल्टा समझ जाओ। भैया आपका नाम क्या है? मेहरदीन मलिक। मेहरदीन मलिक, आपकी एक वीडियो बनाई थी मैंने उस दिन, पता आपको? हाँ। ना बहुत वायरल होगी पता है। अच्छा और क्या कितने खुश हो रहे हो? मैंने नहीं देखी वो, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे भी। हाँ एक शॉट डाला था आपने, पिंचर जोड़ा था, आपको दिखा दूंगा। जैसे दोस्तों हम साइकिल का बाइक का टायर खोलते हैं ना जस्ट लाइक दैट, वैसे ही पूरा इसका टायर खुलेगा, चेक करके ना इसका कि यहाँ से ये निकाल देंगे, तो इसमें एस इसको निकाल देंगे। अच्छा अच्छा बताते रहो। हाँ ऐसे निकाल देंगे। हाँ हाँ कहीं निकालते नहीं है ऐसे, वो पूरा खोलते हैं। वैसे मैंने कई बार लगवाया है ऐसे जैसे आप कर रहे हो ना, पर कहीं कहीं लगता है, हर जगह नहीं। हाँ ये देखो जस्ट लाइक दैट, ऐसे निकाल देते हैं। ए, ये बात वास्ता जी वाह, ऐसे निकाल देते। वाह क्या बात है, ये तो कड़े वाला है, लेकिन जो वैसा होता है ना क्या कहते हैं उसको, ट्यूबलेस, वो भी लग जाता है। नहीं नहीं ट्यूबलेस नहीं कह रहा हूँ मैं, जो वैसा रिम होता है ना बिना कड़े वाला, उसका भी निकल जाता है, उसका भी निकल जाता है। हाँ पर उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, टायर छुटाना पड़ता है। हाँ। रिम पे से काम तो सारे हो जाते। और जो भैया आपने वो पिंचर जोड़ा था ना ट्यूबलेस टायर का, वो ट्यूबलेस टायर का ऐसे पिंचर नहीं जुड़ता, वैसे पिंचर बाइक का और कार का जुड़ता है ओनली, उसका पिंचर जोड़ने का सिस्टम अलग होता है, पर वो यहाँ पे पता नहीं कहीं होगा पता नहीं। हैवी टायर का खोल के कैसे जुड़ता बताओ? स्क्रू लगता है इसमें। ना ना उसमें पेच लगता है। हाँ, पेच, पेच स्क्रू नहीं, वो स्क्रू वाला पेच नहीं, जैसे अपने ट्यूब में लगाते हैं ना उस तरीके से, उसकी घिसाई करके अंदर से फिर उसमें लगा के गोंद सी लगा के फिर उसमें लगता है, ठीक है ना? हाँ 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 फिर वैसे लगता है उसमें ट्यूबलेस टायर में, हैवी टायर में। हाँ एक सार करके निकलता है ये, ऊपर नीचे निकालोगे तो निकलेगा नहीं, ऐसे हाथ से निकल जाएगा अगर निकलना होगा तो। हाँ निकालो इसको, थोड़ा सा मैं नीचे रख दूं क्या मशीन को मेरे हिसाब से? ना क्योंकि थोड़ा टायर पे वेट आ जाएगा ना हल्का सा, बस जरा ज्यादा नहीं, ऊपर से निकालो हल्का सा। हाँ 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 बराबर बराबर तो होता है ये सारा, अंदर करो थोड़ा इसको थोड़ा सा अंदर करके ना, इसे ऊपर से खींचो हल्का सा। ट्यूब के बेटे वाल फाड़ी निकालनी पड़ेगी, अपने आप निकालेगा वो, रहने दे टूट जाए। हाँ वही तो मैंने देख लिया, मैं क्या वाल फाड़ी तो अभी निकाली नहीं है ये। वाह निकालो इसका लंगोट, नेकर निकालो इसका नेकर, पहले पेंट बाद में खोलना। तो जो पंचर वाला कहे ना कि ऐसे रिम खोलना पड़ेगा फिर तभी इसका टायर निकलेगा, उसको ये वीडियो दिखाना आप, हमारे मिस्त्री साहब की एक बार शक्ल दिखाना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है टायर खोलने में। ट्रक वाले टायर पे बस नहीं चलता, नहीं तो ट्रक का भी लगा दो आप ऐसी, है ना? उसका थोड़ा सिस्टम दूसरा रहता है, ट्रक का
ट्रक का ट्यूबलेस कहाँ चल रहे हैं आप इंडिया में? यहाँ नहीं चल रहे, एक आधा टायर आ जाए, बस ना आ जाए या फिर लेकर आए। वाह भैया, हवा इसमें भर दी है ट्यूब में। ये हवा दोस्तों इसमें एक साइड आ गई है, यहाँ पे ट्यूब में शायद मटेरियल जो है हल्का इस जगह पे और ये नेक्स्ट साइड पे। ये कितनी बड़ी ट्यूब है यार, आदमी के बराबर तो पूरी ट्यूब है इसकी। बाहर निकले पाछे दोस्तों, ये है यहाँ पे देख रहे हो, ये से थोड़ा सा सुराख सा हो गया, इसमें कैसी छिल सी गई यार ये ट्यूब। छोटी भर ली है हेल्पर ने छोटी भर ली, हेल्पर ने छोटी भर ली। कौन सा हेल्पर ने? हेल्पर होता है ट्यूब के पास, जो इसके ऊपर को हेल्पर होता है उसने छोटी भर ली। क्या नाम है इसका, लंगोट जो होता है? हाँ, जो लंगोट होता है उसने हवा कम पे। हाँ, हवा कम होगी होगी, उसने छुट्टी भर ली। उसी टाइम में बता रहा था ना, मैंने देखा था जिस टाइम उतरा था, मैं कहा हवा थोड़ी कम सी लग रही है, पर मैंने सोचा मैं कहा ऊपर को खड़ी है एक साइड को, मैं कहा गौर ना की ज्यादा। लंगोट की जगह हेल्पर गियर रखा किसी मिस्त्री ने इसमें। ये ये लंगोट नहीं है? नहीं ये लंगोट नहीं है, लंगोट की जगह हेल्पर गियर रखा किसी मिस्त्री ने। ये नहीं गिरना चाहिए? नहीं, लंगोट ही चाहिए इसके ऊपर। लंगोट जो होता है वो तो मुलायम होता है। हाँ। ये जो है पूरी ट्यूब ही है, ये ट्यूब का है, ये हेल्पर। अच्छा, ये ट्यूब ही काट रखी है? ट्यूब काट रखी। हाँ। बीच का हिस्सा लंगोट जो होता है ना वो हल्का होता है। हाँ। और ये देख रहे हो इसकी थिकनेस कितनी ज्यादा भारी है। हाँ। ये देखो यहाँ पे मुड़ भी रहा है। हाँ, भैया आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? मेरे को कम से कम 19 साल हो गया। पहले आपकी दुकान कहाँ थी? मुजफ्फरनगर। उधर कहीं हो आप? बड़ोदे। अच्छा, ज्यादा एड्रेस मत बताओ। अच्छा, देख लेंगे तुम्हारे मुजफ्फरनगर के भाई भी, देखते हैं वीडियो। ये देखो मैं भाई की वीडियो दिखा रहा हूँ, टायर वर्कशॉप पे जॉब करता है, कैसे काम करता है। देखो इस तरीके से जुड़ता है, हैवी ट्यूबलेस टायर का पंचर। देखो ये लगता है पेज, देखो ये लगा दिया, तो इसके ऊपर ये चलाया जाएगा पहिया सा करेगी, फिक्स चिपका करती ना। और एक भरोसा गन होती है जिससे कि ये टायर को चढ़ाया जाता है टायर में हवा रोकने के लिए, तो ट्यूब तो उठा देती है टायर को। ट्यूबलेस टायर में जैसे आपने वीडियो देखी होगी पिछली वाली, हमने कितने तंग हुए थे पिछली बार नए टायर जब डाले थे, तो इसके ऊपर देखो इन्हें काला सा क्या लगा है। बरोजा गन से चढ़ाया। ये दोस्तों ने पिंजरा रखा है एक, ये तो ये जो ट्यूब वाला टायर होता है उसमें जो हवा डालनी होती है ना पिंजरे में डाल के डालते हैं, और जो ट्यूबलेस टायर होता है उसमें बाहर डाल देते हैं, उसमें कोई खतरा नहीं होता। ट्यूब वाले टायर का खतरा होता है काड़ा निकलने का। अब इसमें देखो इसने हवा लगा दी है, हवा लगा दी, और देखो ये बरोजा गन होती है वो मार दिया। फिर दोबारा आपको दिखाते हैं थोड़ा। अब ये देखो दोस्तों बरोजा गन होती है, इससे दोस्तों टायर चढ़ता है, ये टायर एकदम से चिपक गया शरीर से, ये चीज होती है, ऐसा लगता है पिंचर। भैया को पूरा शौक चढ़ गया वीडियो बनवाने का, भैया भी भाई की वीडियो देख के पूरे जोश में आगे करती हैं। कौन सी कंपनी के लगाओगे ये? ओमनी का है। अच्छा, तुम्हारे पास भी पूरा जुगाड़ ले रहे हो हैं कति प्रोफेशनल। चलो हवा मार ले करो। अगर हवा कम हुई ना तो ये फिर कांट कर देगा ना, हवा कम पे कदम नहीं चलेंगे इसके। अब बाकी टायरों को भी सबकी हवा चेक करी थी। अब इसमें ना दोस्तों पता क्या है, थोड़ी सी हवा डालनी पड़ेगी इस पे ऊपर चढ़ाने के लिए, ताकि ट्यूब है ना इधर उधर ना भागे। हवा डाल ली है भाई थोड़ी सी, और ये बराबर हो गया कहते ऐसे बराबर उसके ऊपर चढ़ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे ले, बता दियो कितना नीचे करना है, बस निकाल ले रहे। थोड़ा सेंटर मिला रहे हैं ट्यूब की वाल वाटी का। बस ये दोस्तों सुराख मिलाना था वॉल बॉडी का। घुमा के ऊपर कर दिया टायर को, अब इसके अंदर ये डाल देंगे इसका। इसको क्या बोलते हैं, कड़ा? ये कड़ा होता है कि वो कड़ा होता है? ये कड़ा होता है, वो लॉक होता है, वो लॉक होता है। अच्छा, ये कड़ा होता है। लग गया भाई, अब इसमें हवा डाल देंगे 50 पॉइंट। सारों में चेक कर दिए उस्ताद जी हैं। अच्छा।
थैंक यू आपका बहुत बहुत। तो गाइस पिंचर जुड़ चुका है और अब चलते हैं, हवा भी डलवा ली है, सारे टायरों में चेक करवा लिए। देखो दोस्तों ये होता ना, ये होता है मास्टिक, दोस्तों लग जाता है ना रोड बिल्कुल उखड़ता नहीं है ये, ठीक है ना, ये मास्टिक होता है, आपको दिखाऊंगा कभी और टाइम मिला तो। ये उस जगह पे लगता है जहाँ पे ज्यादा पानी वानी आता हो, जंक्शन हो जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह ज्यादा मुड़ती हो, उस जगह पे लगता है ये। इस तरीके का सरफेस आता है, इसमें छोटे छोटे पत्थर बीच में लगते हैं, ये हाथ से लगाया जाता है, बिल्कुल रोड को सील कर देता है, उखड़ने नहीं देता, अगर रोड की इससे लाइफ पड़ जाती है, मास्टिक बोलते हैं इसको। तो गाइस साइड पे आ चुके हैं, ये वाली मिट्टी हुई है रात में डंप, और इधर अपनी गाड़ी खड़ी है, डीजल ले रही है। भाई किसी को फैशन की पता हो ना हो, लेकिन हमारा ये निमानी ड्राइवर है झारखंड से, इसको फैशन की बहुत पता है। देखो दोस्तों पैंट कैसी पहनी है, बूट कट पैंट पहनी है भाई साहब, यहाँ पे किसी ने बूट कट पैंट नहीं पहन रखी, किसी ने भी बूट कट पैंट है भाई, बेल बटम स्टाइल बूट कट स्टाइल, एक नंबर का भाई फैशन, ट्रेंड में चलता है लड़का, ट्रेंड में निमानी। बेड बना दिया था, उसके बाद लंच कर लिया है, लंच करने के बाद यहाँ कुछ दोस्तों डंपिंग होनी थी तो यहाँ गाड़ी डाउन कर लो उस्ताद, डाउन ज्यादा पीछे ले गए उस्ताद जी, बीच में दोस्तों डाला कुर्सियां। बस से आ रहा है, बस से इतना क्यों उठा रहा है, पॉकेट भर के बाहर निकाल दे। अभी भी नहीं हो रहा, हो गया डाला फंस रहा है। ज्यादा आगे कर ली मशीन तेने, थोड़ी पीछे कर मशीन, बस इस हिसाब से रख लिया करना है, ये पॉकेट इसका डिपर का और बूम का दोनों का जोर ऐसे करके लगे बराबर, बस चलो। तो गाइस यही काम चल रहा है यहाँ पे, ये बेड दोस्तों बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा डंपिंग हो गया था, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, 10:30-11 बजे दोस्तों हम पिंचर जुड़वा के लाए थे, इसमें टाइम लग गया था काफ़ी। यहाँ पे दोस्तों ये बिरथ रह गई थी बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे और मिट्टी डलेगी, इस करके मैंने रास्ता तो बना दिया था ब्लेड मार के, इधर गाड़ी चल रही है। धूल उड़ाती हुई